हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम ये एक बॉर्डर का डिज़ाइन लेकर आए हैं। और ये देखिए, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड है। देखिए दोनों साइड से, देखिए यहाँ पर हमने फंदे ज़्यादा लिए हैं। और अब जब मैं आपको इसको बनाना बताऊँगी तो उसमें थोड़े फंदे कम डालूँगी। देखिए, तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं हमने डिज़ाइन कैसे बनाई। ये देखिए, आमतौर पर जब हम ऐसे फंदे डालते हैं तो धागा हम ट्रिपल करते हैं। आप चाहें तो इसे चार बार या पांच बार भी फोल्ड कर सकते हो। जितने मोटे फंदे आपको चाहिए आप इतनी बार इसको फोल्ड कर सकते हो। मैं यहाँ इसको तीन बार ही फोल्ड करूँगी। ये देखिए, एक बार हमने इसको फोल्ड कर लिया, डबल हो गया। अब यहाँ से ये देखिए इस तरह से, और हमने इसको ट्रिपल कर लिया। ये देखिए, यहाँ तक इसको हमने ट्रिपल कर लिया। अब ये देखिए, जो ये धागा है इसको हम या तो किसी को आप कहीं किसी जगह बांध भी सकते हो, या फिर इसको आप पैर के अंगूठे पर जो है उस पर लपेट सकते हो। ये देखिए इस तरह से ऐसे हम लपेट लेंगे। ये देखिए, अब ये जो धागा है ये टाइट हो गया। अब हम यहाँ से इसके फंदे डालेंगे। ये देखिए, ये फोल्ड किया हुआ धागा है, इसके बीच में हम, ये देखिए फोल्ड किया धागा, इसके बीच में यहाँ पर हम सिलाई डालेंगे और ऐसे ये एक इसका फंदा बना लेंगे। देखिए यहाँ से, अब हम इसको सीधे हाथ में, देखिए ये राइट हैंड है, राइट हैंड में इसको, ये फोल्ड किए धागे इनको हम लेंगे और ये हम लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे इसको, सिलाई को। और धागा हमने पैर के अंगूठे पर लपेट कर रखा है। ये देखिए, अब हम इस तरह से ये दो उंगली लेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, ये देखिए बाहर की साइड को इस तरह से, और इसके बीच में को हमने ये जो लपेटा हुआ धागा है इसको हमने उठा लिया और सिलाई में इसको हमने ले लिया। ये देखिए, और ये फंदे, सॉरी ये धागे जो हैं इनको हम इस तरह से खींच लेंगे। एक फंदा हो गया, फिर हम अंदर की साइड को मोड़ेंगे। ये देखिए, ये दो उंगलियों पर लेकर इस तरह से, और फिर ये जो पैर पर लपेटा हुआ धागा है इसको हम लेंगे और सिलाई में हम डाल लेंगे। फिर ये धागे हम इस तरह से खींच लेंगे। देखिए ये दो फंदे हमारे एक साथ आ गए। फ्रेंड्स, जो ये फंदे डलते हैं ये जोड़े में डलते हैं। ये देखिए, अब हम फिर से वही रिपीट करेंगे। पहला फंदा हम, ये देखिए इस तरह से, इन दो उंगली इन पर इस तरह से लिया और ऐसे बाहर की साइड को लेकर, और ये धागा हम सिलाई पर लेकर आएंगे। और ये धागे जो ट्रिपल धागे हैं इनको इस तरह से खींचेंगे। इसके बाद हम अपनी साइड को, ये देखिए इस तरह से,
ये उंगली ऐसे की और अपनी साइड को, और फिर ये धागा हम सिलाई पर लेंगे। ये धागे हम खींच देंगे। ये देखिए चार फंदे हमारे यहाँ पर बन गए। फिर इस तरह से बाहर की साइड को, और ये जो धागा है सिलाई पर लेकर इसको इस तरह से खींच देंगे। ये फर्स्ट था, ये सेकंड वाला हम ये देखिए अपनी साइड को, और इस तरह से हम सिलाई पर लेकर इसको भी खींच देंगे। देखिए ये देखिए दो उंगली इस तरह से करेंगे, और बाहर की साइड को ये देखिए इस तरह से बाहर को घुमाएंगे, और ये धागा हम सिलाई पर लेकर, और ये धागे जो ट्रिपल हैं इनको हम खींच देंगे। फिर अपनी साइड देखिए, बहुत आसान है फ्रेंड्स। इस तरह से लिया और यूँ इसको घुमाकर इसको हम इस तरह से देखिए 2, 4, 6, 8 आठ फंदे हमारे यहाँ पर बन गए। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टाइट हमें इन्हें नहीं करना है, लूज भी नहीं छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से देखिए ये फंदे मैं डाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ आगे का डिज़ाइन। ये देखिए फ्रेंड्स ये फंदे हमने डाल लिए हैं। अब हमें देखना है पहली सिलाई हमें इसकी कैसे बनानी है। ये दो फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे, एक और ये दो। धागा पीछे करेंगे, फिर ये दो फंदे हैं देखिए दो का एक बना लेंगे। ये जो जोड़े के दो फंदे हैं इनको हम एक साथ बनाएंगे, धागा पीछे ले जाकर उल्टा बुनेंगे, यहाँ पर एक जाली डलेगी। देखिए इस तरह से धागा पीछे है और अपनी साइड को हमें इसको उल्टा बुनना है, तो यहाँ पर दो फंदों का एक हो गया और साथ ही एक फंदा बढ़ भी गया जाली के साथ। फंदा हमारा पूरा हो गया, दो का एक किया फिर एक का दो हो गया। ये देखिए फिर धागा पीछे करेंगे, फिर यहाँ पर ये दो फंदे हैं इनको दो का एक करेंगे। दो फंदे हमें एक साथ जो हैं जोड़े वाले लेने हैं। ये देखिए दो फंदे जो हैं एक साथ वाले इनको हम एक साथ बुन लेंगे, दो का एक धागा पीछे जाली बनाते हुए इस तरह से। फिर धागा पीछे, ये इसके राइट साइड है फ्रेंड्स, इधर से हम इसको उल्टा बनाएंगे, दो का एक बनाएंगे, फिर धागा पीछे, फिर दो का एक बनाएंगे। ये देखिए फिर धागा पीछे करेंगे, ये धागा हमने पीछे किया, फिर यहाँ पर दो का एक बना लिया। ओके इसको हम सीधी साइड से उल्टा बनाएंगे, हर एक फंदे पर हमें जाली डालनी है और दो फंदों का एक फंदा बना लेना है। ये देखिए धागा पीछे, दो का एक, फिर धागा पीछे,
देखिए ये इसकी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। लास्ट वाला फंदा हम ऐसे ही बना लेंगे, यहाँ पर जाली नहीं बनाएंगे। ये देखिए पहली सिलाई के बाद अब हम इसकी दूसरी सिलाई बनाएंगे। ये इसकी उल्टी साइड है और उल्टी साइड से हम ये सिलाई उल्टी बनाएंगे। सीधी साइड से भी उल्टी बनाई, अब हम उल्टी साइड से भी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए जो ये जाली वाले फंदे हैं, ये देखिए जो जाली है इनको हम इनको भी उल्टा ही बनाएंगे और इनका हमें फंदा बना लेना है जाली का। ये देखिए इसको हम इस तरह से यहाँ पर जाली इसका फंदा बनाएंगे, पूरी सिलाई हम उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये इसकी दो सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है। अब हम इसकी तीसरी सिलाई बनाएंगे और तीसरी सिलाई हम सीधी साइड से उल्टी बनाएंगे। दो सिलाई भी हमने उल्टी उल्टी बनाई, ये तीसरी सिलाई भी उल्टी ही बनाएंगे सीधी साइड से, क्योंकि अगर हम इसको सीधा बनाएंगे तो आगे जाकर मुड़ सकता है, इसलिए ये मुड़े ना हम इसको उल्टा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये तीसरी सिलाई बनाकर इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये तीन सिलाइयाँ इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। और ये देखिए अब हम इसकी चौथी सिलाई बनाएंगे, वो भी उल्टी बनाएंगे उल्टी साइड से। चारों सिलाई हमें इसकी उल्टी उल्टी बनानी है, तो इसकी चौथी सिलाई है इसको हम उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये चार सिलाई इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये कितना खूबसूरत जो है डिजाइन इसका लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। ये देखिएगा इसके ऊपर आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए, कैसा भी किसी भी कलर में इसको बना लीजिए। ये देखिए किसी भी कलर में आप बनाएंगे तो ये इतना ही प्यारा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। ये देखिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।